शिव भक्ति से सराबोर हुआ सीएम योगी का उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। सीएम योगी के जांबाज अधिकारियों ने कांवड़ियों के लिए किया ऐसा काम। पूरा देश उनकी सेवा सद्भाव को कर रहा है सलाम। 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित किए गए मार्ग पर साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो। कांवड़ यात्रियों को कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी भी सीएम योगी के आदेशों का बखूबी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से लेकर जिलों के तमाम अधिकारी कांवड़ियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचने के लिए लाखों श्रद्धालु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जिलों से गुजरते हैं। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु सहारनपुर, शामली और बागपत जिलों से होकर जाते हैं। मुरादाबाद और बरेली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिजनौर और अमरोहा होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। शहर में पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ यात्रियों को मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों की माला पहनाई और उन पर पुष्प वर्षा की। कहा कि यही देश की संस्कृति है। सभी कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे थे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और नेता शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में उतर आई है। जिले की पुलिस शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा दोनों में जुटी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर हरियाणा की ओर बढ़ने वाले कांवड़ियों का सत्कार तितावी थाना पुलिस कर रही है। थाने के समीप बाकायदा शिविर लगाकर भोलों के पैरों के छालों पर मरहम लगाया जा रहा है। थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी सहित बारी बारी से अन्य पुलिसकर्मी भोलों की सेवा कर धर्म लाभ उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर धीरे धीरे शिवमय होता जा रहा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ यात्रियों की सेवा का नगर पालिका परिषद चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने विशेष ख्याल रखा है। इसके मद्देनजर रोड़की रोड पर सेवा शिविर लगाया गया है, जहां तीनों टाइम श्रद्धालुओं के लिए चाय, नाश्ते तथा खाने की व्यवस्था की गई है। पालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल कहती हैं कि भोलों की सेवा ही भोलेनाथ की सेवा है। नगर पंचायत पुरकाजी चेयरमैन शाहिद फारूकी ने महिला कांवड़ियों को खास सौगात दी है। 7 दिन के भीतर उन्होंने पुरकाजी में महिलाओं के लिए 7 स्नानघर तैयार कराए हैं। मुजफ्फरनगर SSP विनीत जायसवाल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर काफी गंभीर हैं। सुरक्षा तथा सेवा के साथ ही SSP कांवड़ यात्रियों के स्वागत का भी खास ख्याल रख रहे हैं। जनपद में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्रियों को उन्होंने वॉइस मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने व्यवस्था बनाने में उनका सहयोग भी मांगा है। इसके साथ ही SSP ने किसी भी समस्या से पुलिस कर्मियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं SSP विनीत जायसवाल ने भी शिव मूर्ति पहुंचकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।